तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो आपका अपना रोहित जोन 2.0। तो भाई कल मम्मी पापा गए थे नेक्स्ट में घूम के आ गए और आज मैं जा रहा हूँ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ इधर से और अभी मुझे जाना है राम मंदिर। राम मंदिर मतलब गोरेगांव और राम मंदिर के बीच में ही पड़ता है ये नेस्को, जहाँ पे भाई एग्जीबिशन लगा है। प्लास्टिक से रिलेटेड सारी मशीनें वहाँ पर ला कर रखी गई हैं, बोल सकते हो एग्जीबिशन लगा है आप समझ लो। ठीक है, तो वही आज हम लोग देखने जा रहे हैं भाई। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ा डायरेक्ट जो है बोरीवली पे, क्योंकि बोरीवली पे मेरा एक दोस्त है वो आ रहा है, तो उसके साथ में हम लोग निकलेंगे। तो मिलते हैं आपको डायरेक्ट बोरीवली पे। तो भाई हम लोग नेक्स्ट एग्जीबिशन में आ गए हैं और नेक्स्ट एग्जीबिशन में आ गए हैं और ये मेरा दोस्त है भाई रमेश। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई, टिकट विकट ले लिए हैं, मस्त में जाएंगे भी नहीं, अंदर घूमेंगे, इसके बाद फिर देखेंगे क्या क्या है क्या नहीं है अंदर। तो मिलते हैं भाई आपको थोड़े टाइम के बाद, तक देखते हैं किधर पानी वानी प्यास लगी हम लोग को, तो पहले पानी वानी पी लेते हैं। तो भाई ये एग्जीबिशन का बाहर का सीन है और बाहर से एग्जीबिशन नेस्को का जो एग्जीबिशन है कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, प्लास्टिक वाला एक है वो, बहुत लोग कहाँ गए। तो भाई ये यहाँ का कैंटीन है, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को बहुत तेज़ प्यास लगी भाई, 2 घंटे गाड़ी चला के आए हैं। तो यहाँ की कैंटीन भाई इतनी बड़ी है मैं क्या बताऊँ, ये देखो भाई इतनी बड़ी कैंटीन अपनी लाइफ में मैं पहले कभी नहीं देखा था भाई, सच बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छी कैंटीन है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पानी ले लेते हैं और यहाँ पे पानी का रेट है जो है भाई 10 रुपये वाला जो बोतल मिलता है बाहर वो 20 रुपये में मिलता है भाई, सबसे बड़ी भाई हम लोग कैंटीन में आए पानी के लिए। क्या कुछ खाएगा भी, कुछ खाएगा भी कि नहीं? हाँ हाँ। तो दोस्तों ये एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, यहाँ पर पूरे 20 से लोग अपनी अपनी मशीनें ला कर यहाँ पर इंस्टॉल लगा कर रखते हैं और लोगों को बताते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ के लोग जो है नई नई चीज़ों को देखते हैं और उस चीज़ों को पसंद, जिसको भी जो मशीनें पसंद आ जाती हैं और उन चीज़ों को खरीदते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर प्रचार के लिए ये पाउडर है सर, देख रहा है सारे पाउडर है, देख ये एक कलर में ये निकला है, ये कलर में ये निकला है और पीले कलर में जो जो कलर है सर पीले कलर में ये निकला है। पहले पाउडर ऐसे रहता है कि बाद में ऐसा ये वाला मोल्ड में जाता है, इसमें ही ये मोल्डिंग मशीन है, तो इसमें जब ये होपर है इसमें पाउडर डालते हैं, यहाँ से गर्म होता है और यहाँ से इंजेक्शन मारता है और इंजेक्शन मारता है ना तो यहाँ पे डाई लगी रहती है, डाई साइज में बन जाएगा, साइज में जाता है जैसा रहेगा, देखिए डाई मोल्डिंग पर ही बन रहा है। तो ये सारे जो है ना, ये तो छोटी कुर्सी बनी है ना, छोटी कुर्सी है, इससे बड़ी बड़ी 1-1 किलो की जो कुर्सी होती है बड़ी जो, जिसमें हम लोग बैठते हैं वो देखो, सब कुर्सी ना प्लास्टिक का है, वो सब मॉल्डिंग पे ही बना है। तो ये बैग वैग जो है ये भी प्लास्टिक से ही है, प्लास्टिक का ही बैग है, बैग सारी चीज़ भाई। तंदुई तंदुई ये जो प्लास्टिक के दाने हैं इसी से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये तो अभी छोटे सैंपल में बनाए हैं, सैंपल में बना के रखे हैं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना बड़े बड़े, ये वाला टाँकी है मालूम है कि नहीं, 1-1 हज़ार लीटर का, 2-3 हज़ार लीटर का, हाँ ये सैंपल में खाली बनाया गया इस सैंपल में, और एक कुर्सी भी रहेगा ये भी सैंपल में बनाया छोटे में दिखाने के हिसाब से। ये पीफोम है, पीफोम इसका बोतल बनता है, ये इसका बोतल बनता है, पहले का इस बोतल का ऐसे रहता है, बाद में इसको ब्लो मोल्ड पे गर्म करके बोतल बना देते हैं, ये पी फोम बोलते हैं इसको, है कि नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई? एग्जीबिशन में आओ आप लोग भी और नई नई चीज़ें देखने और सुनने को मिलेगी भाई। तो अभी चलते हैं हम लोग आगे, 1 नंबर हॉल में मशीन भी है सारे बरस का। तो भाई बरस पहले ऐसा रहता है, तो बाद में इसमें ना अलग से बरस, देखिए जो दिख रहा है ना ये होल है, होल है, तो इसके अंदर बाद में अलग एक मशीन आता है, पहले प्लास्टिक मोल्ड पे बनेगा, फिर बाद में इसमें बरस भरते हैं, बरस भर के जो है फिर एकदम बरस के जैसा हो जाता है।
और ये देखिए गिलास, प्लास्टिक का गिलास, ये सारी चीज़ें। तो भाई अभी हम लोग केमिकल प्लांट में गए थे, तो वहाँ पे कैसा है सब, अपना अपना पाउडर, अपना अपना प्रोडक्ट जो है निकालते हैं या फिर उसके बारे में प्रचार कर रहे थे। और अभी हम लोग 7 नंबर और 1 नंबर हॉल में जाएंगे और वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देख कैसा काम करता है ये अपना बैरल है, ये बैरल, ये स्क्रू है, ये इंजेक्शन मारता है, देखिए देख प्लास्टिक। बोतल तो गर्म रहेगा, टच करने का लगता है चल नहीं रहा है ना, ये यहाँ से आएगा, इसका दाना यहाँ से आएगा, तो वैसे बनाएगा खच 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 खच, ऐसा जैसे कपड़ा नहीं सीते उसी तरह से। ये भी रोटरी लगा है, उसमें घुमा घुमा कर कितना फटाफट हो रहा है यार। चेंज करेंगे इसको, स्क्रू पे आइटम तैयार हो गया है ना।
मशीन का पैनल है इधर से कंट्रोल होता है। इधर भी वही सेम मशीन है लेकिन ये हमको लगता है मैनुअली है, ऑटोमेटिक नहीं, वो ऑटोमेटिक है। और इसको कैसा है कुछ तो सेटिंग रहेगा, हाथ पैर से, इधर पैर है ना, पैर से दबाना, दबा के चलाना पड़ता है। कटिंग भी है इधर, इधर ये भी किया है ना। तो भाई इधर राउंड कॉम देखो, इधर बना के रखे भी है, इधर जो कंघी हम लोग राउंड वाला रहती है ना वो सारे ये मशीनें, ये मशीन पे बनती है भाई। और भाई आप लोग देख सकते हो इधर लगा हुआ है मशीन में दो पीस लगा हुआ है, एक में शायद ड्रिलिंग हो रहा, एक में ड्रिलिंग है और एक में डायरेक्ट उसको डालते हैं, मतलब उसका जो क्या रहता है उसको यार ब्रश वो डाला जाता है। और ये भी जो है पैर से चलता है, इसको पैर से ऑपरेट कर सकते हैं आप, ये भी पैर से ऑपरेट। तो भाई ये है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इस मशीन पे भाई बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि प्लास्टिक का कुर्सी जो होता है वो बनाया जाता है, प्लास्टिक का घमेला बनाया जाता है, प्लास्टिक से मग बनाया जाता है, प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें हैं, बोतल और ड्रम को छोड़ के बहुत सारे ऐसे, मतलब बच्चे लोग आप खिलौना देखे होंगे वो भी सारी चीज़ें जो है इसी मशीन पर बनाई जाती है भाई। और ये चाइना का मशीन है तो बहुत ही एंटिक तरीके से, मैं पहली बार इस मशीन को देख रहा हूँ, क्योंकि इस मशीन में दो दो डाई जो है लगी, एक डाई ओपन होगी तो दूसरी डाई रोटर रोटरी घूम कर दो है वापस से ओपनिंग होगी, क्लोज होगी। तो इस तरह से ये मशीन है भाई, बहुत ही अच्छी मशीन है, मज़ा आ गया देख के भाई इस मशीन को, ठीक है। तो भाई अगर आपको ये एग्जीबिशन देखना है तो आप राम मंदिर में आ सकते हो, और आज 10 तारीख है भाई, कल 11 लास्ट है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो फटाफट कल आ जाओ, कल लास्ट है, कल पूरा दिन रहेगा, तो आप देख सकते हो बहुत सारी मशीनरी है भाई, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें और नई नई चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो फटाफट आइए और यहाँ एग्जीबिशन का लुत्फ़ उठाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।